गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग AKTU का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, वो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BE101, या फिर सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए 201 हो जाएगा। मेनली इसको फोकस करते हुए इसकी यूनिट 4th and 5th को हमें कवर अप करना है। 4th यूनिट जब हम कवर अप कर रहे हैं तो वो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आती है, और डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन एक सब्जेक्ट होता है उसमें भी काम आती है। तो जो स्टूडेंट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं किसी भी सेमेस्टर में, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, और डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमने प्रीवियस के कुछ वीडियो लेक्चर्स में KMAP पर हम काम कर रहे थे, KMAP हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उससे पहले हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे, KMAP का हमने बेसिक फंक्शन क्या होता है KMAP का वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम कैसे पेयरिंग करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं KMAP में, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे पेयरिंग्स के, तो एक बार हम उसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, सारे रूल्स जो जो हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। एक मिनट, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर एक बार देख रहे होंगे, रूल्स ऑफ मिनिमाइजिंग इन KMAP, KMAP को मिनिमाइज करने की क्या क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले, जैसे वाइल ग्रुपिंग यू कैन मेक ग्रुप ऑफ 2n नंबर, वेयर n 0, 1, 2, 3, यानी कि पहला पॉइंट तो जो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं या जो नोट करने वाली बात है वो यही है कि हमें सबसे पहले ग्रुप जो करना है वो 2 में ही करना है। दूसरा, यू कैन आइदर मेक ग्रुप ऑफ वंस एंड जीरोज बट नॉट बोथ, या तो आप ग्रुपिंग करेंगे वन की करेंगे, या तो आप ग्रुपिंग वन की करेंगे या फिर ग्रुपिंग जीरो की करेंगे, दोनों की एक साथ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ वंस लीड टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड ग्रुपिंग ऑफ जीरोज लीड टू प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, यानी कि अगर आप ग्रुप वन का कर रहे हैं तो इट गोज फॉर द सम फॉर्म, और अगर आप ग्रुपिंग जीरो की कर रहे हैं तो इट गोज फॉर द पॉश फॉर्म, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट है, व्हाइल ग्रुपिंग द ग्रुप्स ऑफ वंस शुड नॉट कंटेन एनी जीरो एंड द ग्रुप ऑफ जीरोज शुड नॉट कंटेन एनी वन। जैसे पहले ही हमने यहाँ पर पहले पॉइंट पर ही ये डिस्कस किया था, यही पॉइंट यहाँ पर खोलकर बता दिया गया है ओपन करके, यानी कि अगर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वन की जीरो के साथ ग्रुप नहीं करेंगे और जीरो का वन के साथ ग्रुप नहीं करेंगे, ठीक है। द फंक्शन आउटपुट फॉर जीरोज ग्रुपिंग शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड एज एफ डैश, मतलब कहने का यह है कि जैसे हम वन को कंसिडर करके ग्रुपिंग करते हैं तो उसमें अगर हम फंक्शन एफ लेते हैं या एफ आता है तो अगर हम उसी को जीरो के कंपैरिजन में देखें तो वो वहां पर उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि एफ डैश या एफ बार हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्लैश करके मैं बता देता हूँ, एफ डैश से भी उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रुप्स कैन बी मेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बट नॉट डायगोनली, यानी कि ग्रुप आप या तो ऐसे बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे, आप ग्रुपिंग ऐसे नहीं करेंगे, यानी कि ये डायगोनली जो आप ग्रुप बना रहे हैं इस तरीके से वो आपको कहीं पे भी नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप्स मेड शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल इवन इफ दे ओवरलैप, यानी कि अगर पे ग्रुप आपस में ओवरलैप भी कर रहे हैं फिर भी हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जो बड़े से बड़ा। नेक्स्ट, ऑल द लाइक टर्म्स शुड बी इन ग्रुप इवन इफ दे ओवरलैप, वही चीज है कि अगर कोई भी टर्म आ रही है और वो दूसरे ग्रुप को बड़ा बना रही है तो ओवरलैप भी वहां पर कंसीडर होगा, ओवरलैप की भी प्रोबेबिलिटी है कि ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट स्क्वायर कैन बी मेड इनटू ग्रुप आइदर एज दे आर एडजेसेंट, वन बिट डिफरेंस के, सेम गोज फॉर द कॉर्नर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से ऊपर के और नीचे के ग्रुप्स भी बन रहे हैं कोने के, या फिर चारों कोने पे ग्रुप्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो वो ग्रुपिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट,
ईच ग्रुप रिप्रेजेंट ए टर्म इन द बुलियन एक्सप्रेशन। हर एक ग्रुप एक एक्सप्रेशन को या एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। लार्ज द ग्रुप, स्मॉलर एंड सिंपल द टर्म। जितना बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा उतना ही वो ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, ज्यादा ही स्मॉल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ दोज लिटल्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगल ग्रुप मेक्स द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर कोई भी ग्रुप बच रहा है, या फिर क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ दोज लिटरल्स दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन सिंगल ग्रुप मेक्स द टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, वो उस एक्सप्रेशन की टर्म्स को इंडिकेट करेगा अगर कोई बच रहा है वहां पर सिंगल। फिर लास्ट में आता है डोंट केयर एक्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूड व्हाइल ग्रुपिंग टू मेक लार्ज पॉसिबल ग्रुप। अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा होगा तो वहां पर मैंने डोंट केयर कंडीशन के साथ भी कैसे ग्रुपिंग करते हैं या कैसे डोंट केयर कंडीशन हेल्प करता है ग्रुप करने में, वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर डोंट केयर कंडीशन गिवन है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी हेल्प कर सकता है ग्रुप को बड़ा बनाने में। तो जब उसकी हेल्प से ग्रुप बड़ा बन रहा है तो इट विल बी कंसिडर एज जीरो और वन। अदरवाइज अगर उसकी हेल्प नहीं दी जा रही है तो अलग से डोंट केयर कंडीशन का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं, एक बार मैंने आपको रिकॉल कर दिया है क्योंकि आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं केमैप पर बेस्ड। चलिए, तो पहले सबसे पहले हमने टू वेरिएबल पढ़ा था, तो टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, एक मिनट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर चेंज कर लेते हैं, वन मिनट, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन एफ ए बी समीशन जीरो और वन, यानी कि जो फंक्शन ए बी है समीशन एम जो है ये किसको बता रहा है, मैंने आपको बताया हुआ है मिन टर्म्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मिन टर्म्स दी हुई है जीरो और वन। आप इधर देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हुआ है, एक मिनट कलर चेंज करके यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये इसकी नोटेशंस दी हुई हैं। यहाँ पर आप जीरो को प्लेस करते हैं, यहाँ पर वन को प्लेस, यहाँ आपको टू पर, यहाँ को यहाँ थ्री को प्लेस करते हैं। ऐसे यहाँ पर आप ये जीरो, यहाँ पर अगर आप देखें ये जीरो जीरो बी के लिए, ये वन है, ये वन है ए के लिए, है ना, इस तरीके से ये आपका जीरो वन टू थ्री इस तरीके से आपका गिवन होता है, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पर लेंगे और हम वैल्यू अपनी पुट करना स्टार्ट करते हैं। वंस मोर हम कलर चेंज करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं जीरो वन टू थ्री, ये आपको याद करनी पड़ेंगे कहाँ पर कौन सा है। अब जहाँ पे भी इस मिन टर्म में जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आप अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये मिन टर्म है तो मिन टर्म्स के लिए हम क्या रखते हैं, पुट करते हैं वन। तो जीरो दिया हुआ है तो यहाँ पे वन पुट कर देंगे और वन दिया हुआ है यहाँ पे वन पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमने प्लेस कर दी अपनी टर्म्स, मिन टर्म हो या मैक्स टर्म, ठीक है। अब जैसे ही आपने पुट की, अब हम इसका पेयर करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सिंपल पेयर बनेगा इन दोनों वंस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ वन है, यहाँ जीरो है, यहाँ वन है। तो इसका मतलब ये है कि इस कंप्लीट रो के लिए, ये जो पूरी रो है यहां से यहां तक, एक मिनट थोड़ा, हाँ यहां तक, ये पूरा इंडिकेट करता है ए पार, यानी कि जीरो वैल्यू है। ऐसे यहां पर ये है और यहां से यहां तक ये करेगा ए को इंडिकेट। ऐसे ही सिमिलरली वर्टिकली, ये वाली जो पूरी वर्टिकली है ये जीरो है फॉर बी, दैट मीन्स बी बार, और ये पूरी है वन, दैट मीन्स बी। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो इस ग्रुप के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, ए बार, क्योंकि ये ग्रुप ऐसे बना हुआ है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और वर्टिकली जो दो टर्म्स यहां पर आ रही हैं उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जीरो है एक वन है, तो यहां पर आप नेगलेक्ट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए बार। तो अगर मैं लिखूं इसको तो ए बार,
ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी आपको सबमिशन स्मॉल m दिया हुआ है, 012 है यहाँ पर, तो वही चीज़ हम लिखेंगे, ए बी दो फंक्शन है, 0, 1, 2, 3, और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है ये कैसे पता चलते हैं, 2 की पावर n, और 2 की पावर n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल 2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 बॉक्सेस का ही इसलिए बना हुआ है यहाँ पे, 0, 1, 0, 1, ठीक है। अब जो मिड टर्म्स आपको दी हुई हैं वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो अब ग्रुपिंग कैसे बनेगी, एक तो ग्रुप यही बन जाएगा आपको दिख रहा है जैसे हमने पहले बनाया, और एक ग्रुप ये बने। कुछ स्टेप जो हमने पीछे पढ़े हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, ग्रुप को हमें बड़े से बड़ा बनाना है इसीलिए ओवरलैपिंग की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हमने इसकी वैल्यू ऊपर लिखी है एक बार, ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस ग्रुप के लिए, क्योंकि ये वाला ग्रुप आपका वर्टिकली बना हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा और केवल ये रिप्रेजेंट करेगा दिस वैल्यू, तो दैट मीन्स बी बार। तो यहाँ पर फंक्शन ए कॉमा बी का जो सॉल्यूशन है मिनिमाइज करके आया है वो आया है ए बार प्लस बी बार, तो बस इस तरीके से आपको लिखना है, ये 2 वेरिएबल का था, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, आगे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फंक्शन ए बी दिया हुआ है आपको, समीशन 0 और 2, तो आपको पता है यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, तो 0 पे 1, 2 पे 1, अब आपका ग्रुप बनेगा ऐसे, ठीक है, ये 0, 1, यहाँ पे 0, 1, तो ये वाला ग्रुप की वैल्यू क्या हो गई, फिर से वर्टिकली है, दैट मीन्स बी बार, तो यहाँ पर इस फंक्शन का जो आंसर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बार। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वैल्यू कुछ चेंज है, दैट्स इंडिकेट द मैक्स टर्म्स, ठीक है, ये मैक्स टर्म्स कहलाती हैं, और मैक्स टर्म के लिए आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपनी इन मैक्स टर्म को, जब आप के मैप में रखते हैं वो किससे आप इंडिकेट करेंगे, 0 से। अब यहाँ अभी तक आप यहाँ पर 1 पुट कर रहे थे, ये जैसे ये 1 पुट किया है, ये 1 पुट किया है, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे जो भी यहाँ पर मिड टर्म्स दी होंगी, तो अगर ये पहले मैं ये लिख लेता हूँ 0, 1, 0, 1, है ना, अब ये 0 है तो आप यहाँ पर 0 पे 0 पुट करेंगे, और ये 3 है तो यहाँ पर भी 0 पुट। अब आप देख रहे होंगे ये डायगोनली आप नहीं बना सकते हैं ग्रुप, तो आप इसको अलग से लेंगे और इसको अलग से लेंगे, ये ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसके लिए वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर बेटा 0 का मतलब आपने यहाँ देखा ऊपर मिन टर्म पे 0 का मतलब होता है बार, लेकिन यहाँ पर 0 का मतलब होता है डोंट बार, दैट मीन्स ये ए को इंडिकेट कर रहा है, और इसी के लिए दूसरी वैल्यू बी के लिए भी है, तो अब यहाँ पर पॉस्ट फॉर्म है तो ए प्लस बी आएगा, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर देखते हैं इस ग्रुप के लिए, या फिर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे इसको, हम लिखते हैं देखो ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ए बार, क्योंकि आप पोस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर बी के लिए 1, तो ये भी 1 है, तो दैट मीन्स बी बार, तो यहाँ पर जो फंक्शन मिनिमाइज होकर आएगा, या फंक्शन जो आएगा ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए प्लस बी पहले ग्रुप से डॉट ए बार प्लस बी बार, ये आएगा आपका मिनिमाइज होगा, तो दिस इज द पॉज फॉर्म, पीछे जो भी क्वेश्चन किया है आपने मिन टर्म के साथ दैट्स द सॉल्व फॉर्म, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 2 वेरिएबल का, जिसमें आपको फिर से क्या दी हुई है, मिन टर्म्स दी हुई है, ठीक, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0, 1, 2 और 3, यहाँ पर 0, 1, 0, 1, अब हर जगह वैल्यू दी हुई है तो सबको हम 1 सॉरी पुट कर देंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पर पॉसिबल जो ग्रुप बना हुआ है वो 4 का बना है, और आप अब आप क्या देखेंगे,
ये ग्रुप यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर फंक्शन आ गया a, b = 1। ये इसका आंसर, यानी कि अगर आपके सभी बॉक्सेस फिल्ड हैं और वहाँ से एक कंप्लीट ग्रुप बन जाता है तो दैट्स गिव द वैल्यू 1, उसका रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, आई होप ये सब आपको टू वेरिएबल के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, क्या क्या रूल्स थे वो भी आपको रिकॉल हो गए होंगे क्वेश्चन करते। अब आते हैं थ्री वेरिएबल में। थ्री वेरिएबल में भी ऐसे ही आपका, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, कैसे कैसे कौन सी टर्म। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तीन फंक्शन दिए हुए, ABC वेरिएबल, और उसमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं, यहाँ से हमें पता चलेगा मिन टर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने नंबर असाइन कर लेते हैं, ये 0 होता है, ये 1 होता है, साइड में भी लिखा हुआ है, ये 0 0 रहता है, ये 0 1 रहता है। एक लाइन यहाँ पर मिस है, एक मिनट मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 और यहाँ रहता है 1 0। ऐसे मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए भी लिख लेता हूँ, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ये वाली वैल्यूज इसके लिए यहीं पे काम कर जाएंगी, ये वाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है मैं ये भी लिख देता हूँ। 0 होता है यहाँ पर, 1 होता है, एक बॉक्स छोड़ते हैं 2 आ जाता है, 3 फिर 4 5 फिर एक बॉक्स छोड़ते हैं 6 एंड 7। यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, मीन टर्म्स हैं तो 1 पुट करेंगे 0 पर 1 पर 2 पर 4 पे और 6 पे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कॉर्नर्स पे सॉरी ये 2 2 का पेयर बन के 4 का पेयर बन जाए, जैसा कि एक पॉइंट लिखा हुआ था कि कॉर्नर्स पे भी पॉसिबल होता है ग्रुप बनाना, और एक ग्रुप ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप इनकी वैल्यू लिखे तो इस ग्रुप की वैल्यू आप इसके साथ कंपेयर करके तभी बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा। अब आपको कॉमन देखना है इन 2 टर्म्स में, ये और ये, जिनका ग्रुप बना हुआ है। तो इसमें कॉमन क्या रहा है, आप देख रहे होंगे लास्ट की टर्म जो है, और लास्ट की टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सी को, और सी पे क्या है 0, तो 0 का मतलब हो गया C⁻। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्रुप को लिखता हूँ यहाँ पर, इस पे देख रहे होंगे आप ये वाली वैल्यू पूरे रो को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 है तो A⁻ हो जाएगा, और कॉमन क्या रहा है इसमें और इसमें, यानी कि ये और ये कॉमन आप देख रहे होंगे, पहली वाली वैल्यू है जो पहली कर किसको इंडिकेट कर रही है, वी को, ये वाली वैल्यू है ना, और वो भी 0 है तो ये B⁻ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, वी गेट द A⁻ + A⁻ B⁻, ये आपका आंसर हो जाता है इसका। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दूसरे वाले डायग्राम में, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं आपको, 0 2 4 6 2 4 5 6 सॉरी 1 फिर 2 पर है, फिर 4 पर है, 5 पर है और 6 पर है, और डोंट केयर में आपको 1 दिया हुआ है, और सॉरी ये हम एक्स से इंडिकेट करते हैं डोंट केयर को, और 3 दिया हुआ है, यानी कि 7 छोड़ के सब कुछ दिया हुआ है। तो हमने क्या होता है, डोंट केयर की नीड अगर है वो कब है, जब हम ग्रुप को बड़ा करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम इस डोंट केयर को ले लेते हैं तो ये ग्रुप 4 का बन जाए, ठीक है, 4 का पेयर हो जाएगी। फिर अगर मैं इसको इसके साथ लेता हूँ तो ये 2 का बनाता, लेकिन अगर मैं कॉर्नर के साथ ले लेता हूँ तो इट बिकम्स द 4 वैल्यू या 4 नंबर ऑफ वंस पेयर। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, तो आपके 2 ग्रुप बनते हैं। देखिए डोंट केयर कंडीशन ये वाली हमने यूज़ नहीं की है, ठीक है,
तो अब दो ग्रुप बन गए, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। पहले इस कॉर्नर वाले की वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, कॉर्नर वाले की वैल्यू कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ, दैट मीन्स वी गेट सी पार। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर भी देखिए ग्रुप ऐसे भी बन रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं है इसलिए कुछ नहीं आएगा, और फिर इन दोनों का आपस में हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ। तो यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन है, दैट मीन्स वी गेट हियर ओनली बी बार। अगर इसका आंसर हम लिखते हैं तो इट्स बिकम बी बार प्लस सी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर आपको ये मिल जाए। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए थ्री वेरिएबल के और क्वेश्चन है वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा, थ्री वेरिएबल के दो ही क्वेश्चन है, डोंट केयर के साथ भी मैंने आपको बता दिया और सिंपली भी हमने मैंने आप। तो अब हम देखते हैं फोर वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फंक्शन ए बी सी डी के साथ, कलर चेंज कर लेते हैं वन सेकेंड। ओके, ये हम ए बी सी डी हमने कर लिया यहाँ पर। तो समीशन यानी कि मिड टर्म आपको दिया हुआ है, मिड टर्म में आपको ये मिड टर्म्स दी हुई है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं वैल्यू जल्दी से, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0, यहाँ पर भी 0 1 एक स्टेप ड्रॉप, 2 3 4 5 एक स्टेप ड्रॉप, 6 7 फिर 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो जो जो मिड टर्म्स आपको गिवन है उन पर आप रिप्रेजेंट कर देंगे 1, क्योंकि आपको मिड टर्म्स दी हुई, जैसे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 10 12 14 एंड 15। ठीक है, तो सबसे पहले एक सबसे बड़ा ग्रुप आपको दिख रहा होगा 4 का कॉर्नर्स वाला ग्रुप, ये। ठीक है, तो हम इसको लेंगे पहले ये है। इसके बाद आप देख रहे होंगे हमारे पास एक पेयर बनता है ये 2 का, फिर ओवरलैप हमको करके एक ग्रुप मिलता है ये, और फिर ओवरलैप करके एक ग्रुप मिलता है ये। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हमें को मिल गए हैं। अब इन ग्रुप्स की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे हम करेंगे। तो ये जो कॉर्नर वाला ग्रुप है इसको ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसके और इसके कॉम्बिनेशन से इधर, और इधर इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बना। तो पहले हम इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। इन दोनों में आप कॉमन देखेंगे 0 0 1 0, यानी कि लास्ट की टर्म कॉमन है, और लास्ट की टर्म रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर बी को, तो दैट मीन्स वो है 0, यहाँ से मिल जाएगा बी बार। ऐसे अगर आप यहाँ पर देखें इन दोनों टर्म्स को, तो इन दोनों टर्म्स में भी लास्ट की टर्म कॉमन है, और लास्ट की टर्म डी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 0 है, तो डी बार। ठीक है, फिर आते हैं इस ग्रुप की वैल्यू पर, इस ग्रुप की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ग्रुप है ये इस रो में किससे इंडिकेट हो रहा है, 1 1 से, और 1 1 क्या है, ए बी, तो ए बी हो जाएगा। अब ऊपर देखते हैं यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, पहली वाली टर्म कॉमन है, और पहली वाली टर्म सी को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट मीन्स वो 1 है, तो इसलिए सी आ जाए। ठीक है, फिर आते हैं इस ग्रुप की वैल्यू पर। ये वाला ग्रुप वर्टिकली बना हुआ है, और ये वर्टिकली किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0, तो सी बार डी बार तो ऐसे ही रहेगा, सी बार डी बार। फिर इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है, पहली वाली वैल्यू कॉमन है 1, और पहली वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ए को, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा ए। ठीक है, और लास्ट में एक ग्रुप बनता है आपके पास ये, तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, तो ए बार बी बार, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, इसमें और इसमें, पहली वाली वैल्यू टर्म कॉमन है 0 0, वो है सी, तो दैट मीन्स सी बार। ठीक है,
अगर हम इसका आंसर लिखते हैं तो ये हो जाएगा बी बार डी बार प्लस ए बी सी प्लस ए सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी। ये सिंप्लीफाइड फंक्शन हो जाएगा एफ इक्वल्स ए बी सी डी के साथ इक्वल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोर वेरिएबल का यहाँ पर सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं फोर वेरिएबल का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले फोर वेरिएबल है तो हमें 16 नंबर ऑफ बॉक्सेस की नीड होगी। हम नंबर्स लिख लेते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने जल्दी से ये सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका की मैप से बनता ही बनता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 10 ही लिखा गया है, एक मिनट, यहाँ पर आएगा 6 7, एक मिनट पेंसिल लिख करते हैं, यहाँ पर आएगा 7। ठीक है, फिर 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर समेशन स्मॉल एम दिया है तो आपको मेन टर्म्स दी हुई हैं, तो मेन टर्म्स के लिए हम क्या रिप्लेस करते हैं, 1। तो जो जो मेन टर्म यहाँ पर आपको गिवन है उस पर आप 1 प्लेस करें, जैसे 0 है तो 1 प्लेस किया, 1 है 1 प्लेस किया, 2 है 1 प्लेस किया, 5 है 1 प्लेस किया, 9 है 1 प्लेस किया, 11 है 1 प्लेस किया, 12 है 1 प्लेस किया, 13 है 1 प्लेस किया और 15 है 1 प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप इन चार का बन रहा है, ये आप बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप इसके साथ 2 का बन जाएगा पेयर। ठीक है, अब आप बिना ओवरलैपिंग किए इसको इंगेज कर सकते हैं इसके साथ, कॉर्नर वाले के साथ, तो इस तरीके से आपका ये ग्रुप भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 ग्रुप बनेंगे। इसके लिए वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इन वैल्यूज़ को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला कॉलम, तो इसके लिए आपको C पर 0 है तो C बार हो जाएगा और D पर 1 है तो D आएगा। अब इस ग्रुप के लिए देखते हैं, इस ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, तो A बार B बार, अब कॉमन देखेंगे 0 0 में और 1 0 में, जिनके बीच में ग्रुप बन रहा है, तो लास्ट की टर्म दोनों में कॉमन है, वो D को रिप्रेजेंट कर रही है और वो है 0, तो इसलिए यहाँ पर D बार आ जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 और वो है ए बी। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है, लास्ट की टर्म डी और वो है 0, तो ये हो जाएगा डी बार। तो अगर मैं इसका आंसर लिखता हूँ तो एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इक्वल्स टू, एक टर्म आ जाएगी आपके पास सी बार डी एक ग्रुप से, प्लस ए बार बी बार डी बार प्लस ए बी डी बार, ये हो जाएगी आपके पास। ठीक है, आई होप फोर वेरिएबल का दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डोंट केयर कंडीशन के साथ, वही चीज, सबसे पहले फोर वेरिएबल, नंबर ऑफ बॉक्सेस नीड 16 और फिर सीधा आप अपना होमवर्क पे लग जाइए, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये जब आप तक क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब लर्न हो जाएंगे। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाए कहाँ पर कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर है, 0 पे 1 1 पे 1 2 पे 1 5 पे 1 9 पे 1 11 पे 1 12 पे 1 13 पे 1
और 15 पे 1, डोंट केयर कंडीशन है आपकी 3 पर। डोंट केयर कंडीशन है 3 पर और डोंट केयर कंडीशन है 6 पर, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रुप 4 का ये, फिर सबसे बड़ा ग्रुप 4 का सेकंड ये बन जाएगा, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन की हेल्प से। अब आप देख रहे होंगे एक 4 का ग्रुप आप यहाँ पे बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 वंस, ठीक है। अब ये एक 1 बचता है आप इसको इंगेज करेंगे इसके साथ ये, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको फटाफट से वैल्यू लिखनी है, ए बार बी बार, वेरी गुड। फिर आप इसके लिए लिखेंगे ये हो जाएगा सी बार डी, क्यों, क्योंकि ये केवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इस वाले रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। अब आते हैं इस कॉम्बिनेशन वाले ग्रुप में, कॉम्बिनेशन वाले ग्रुप में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कॉमन देखेंगे क्या है, पहली वाली टर्म है और पहली रिप्रेजेंट कर रही है ए को, और वो क्या है 1, तो इसलिए ए आ जाए। फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में लास्ट की टर्म कॉमन है, वो रिप्रेजेंट कर रही है डी को, और वो है 1, इसलिए डी आ जाएगा, ठीक है। अब इस ग्रुप के लिए लिखते हैं वैल्यू, तो इस ग्रुप के लिए आप देखेंगे तो इस रो के लिए ये वाला आपका रिप्रेजेंटेटिव है, तो ए बी आ जाएगा यहाँ से, तो और अब कॉमन देखेंगे इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में पहली वाली वैल्यू कॉमन है, ठीक है। और जब पहली वाली वैल्यू कॉमन है तो वो सी है और वो 0 है, तो सी बार। तो यहाँ से जो 4 ग्रुप हमारे बने थे उनके लिए हमने टर्म्स डिफाइन कर दी हैं, टर्म्स फाइंड आउट कर ली हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है ए डी प्लस सी बार डी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी सी बार। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन होगा इसका, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वाई यूजिंग द की मैप। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर 5 वेरिएबल पर पहुंचेंगे। 4 वेरिएबल है, सबसे पहला होमवर्क, इसको जल्दी से नंबर्स नोट कर लीजिए, 00 01 11 10 00 01 11 10, ठीक है। अब जब हम इनको नंबर्स को टर्म्स को लिखेंगे यहाँ पर, तो टर्म्स जब हम लिखते हैं तो इस बार हम सीधा लिखेंगे, देखिए 0 पर 1, 1 पर 2 पर, फिर 8 पे, फिर 14। डोंट केयर कंडीशन क्या है, 9 है और 10 है, ठीक है। चलिए ग्रुपिंग करते हैं, ये इन दो का ग्रुप इन दो के साथ होकर 4 का ग्रुप बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये सिंगल 1 है, ये डोंट केयर है, तो आप पहले तो इसको इसके साथ ग्रुपिंग कर लेंगे, ये ग्रुप हो गया। अब आप इसको इसके साथ कर लीजिए, इस 1 को इस 1 के साथ, ठीक है। तो वैल्यू लिखते हैं फटाक से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव है 00 यानी कि ए बार बी बार, और ग्रुप किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, इस टर्म के और इस टर्म के, लास्ट की टर्म यहाँ पर कॉमन है डी और वो है 0, तो दैट मीन्स डी बार, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लिए वैल्यू, ये जो ग्रुप बना है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है यहाँ पर, तो लास्ट की टर्म कॉमन दैट मीन्स 0 और वो है बी बार। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, इसमें पहली टर्म कॉमन है वो सी को रिप्रेजेंट कर रही है और वो है 0 दैट मीन्स सी बार, ठीक है। अब लास्ट का एक ग्रुप ये बचता है, यहाँ पर ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 1 1 और 1 0 के, तो पहली वाली टर्म यहाँ पर कॉमन है और वो रिप्रेजेंट कर रही है ए को और वो है 1, तो इसलिए ए आ जाएगा। और इस पूरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0, तो ये हो जाएगा सी डी बार। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया है वो आया है एफ ए बी सी डी इक्वल्स टू बी बार सी बार प्लस ए सी डी बार प्लस ए बार बी बार और डी बार। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा
इस गिवन फंक्शन एफ टू फोर वेरिएबल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप फाइव वेरिएबल को देख लेते हैं। फाइव वेरिएबल में आपको दिए होंगे पांच वेरिएबल। यहाँ पर आपको पांच वेरिएबल जो दिए हुए हैं वो ए बी सी डी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब ए बी सी डी हैं तो सबसे पहले आप वही करेंगे क्या कि आप यहाँ पर नंबर्स को नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या नंबर्स हैं और कहाँ कहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करनी है वैल्यूज। तो दो वेरिएबल हैं 00, 01, 11 और सेम एज इट इज़। यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं तो 00, 001, 01, 10, 10। फिर इसका मिरर होता है यहाँ पर 100, 101, 110 और 111। इसके लिए आपको की मैप का जो बेसिक वाला वीडियो है वो जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने लगूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पर आएगा 14, 15 ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया फाइव वेरिएबल के लिए। अब जो जो टर्म्स आपको दी हुई है मिड टर्म ही है, जो मिड टर्म आपको दी है वो आप वन पुट कर देंगे। जैसे जीरो दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, फाइव दिया हुआ है, नाइन दिया हुआ है, इलेवन दिया हुआ है, ट्वेल्व दिया हुआ है, फिर थर्टीन दिया हुआ है, फिर फिफ्टीन दिया हुआ है, ठीक है। 15 के बाद 19 दिया हुआ है, 19 के बाद 21 दिया हुआ है, 21 के बाद 24 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ। ये वैल्यूज आपको दी हुई थी, आपने पुट कर दिया। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर ग्रुप बन रहा है वो सबसे पहले ही 4 का बनाएंगे, ठीक है। ये 4 का बना हुआ। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक ग्रुप ये 2 का बना हुआ है, ठीक है। फिर एक ये 2 का बनाएंगे, आप बना ये 2 का भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको नीड इसकी भी पड़ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर अवॉइड करके इसके साथ ये ग्रुप ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे सभी वंस आपके कवर अप भी हो चुके हैं, है ना। यहाँ पर ये सिंगल वन बन रहा है तो इसको सिंगल ही रहने देंगे, ये भी सिंगल है इसको भी सिंगल ही रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे होंगे आप एक ग्रुप आपका ये बनेगा और एक ग्रुप आपका इधर से बनेगा ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो ग्रुप बने हैं वो बहुत सारे बने हैं, तो इनको आप वैल्यू को देखते हैं क्या है। पहले इस ग्रुप के लिए लिख लेते हैं। पहले इसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है आपका ए बार बी बार, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है। इन दोनों में पहली दोनों वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं सी बार और डी बार। तो इस ग्रुप की वैल्यू ये होगी। यहाँ पर आपको कंप्लीटली वैसे ही वैल्यू लिखनी पड़ेगी सारी, क्योंकि एक ही है ए बार बी बार सी बार डी ई बार, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल है ए बी सी और यहाँ पर 00 है, तो सी बार डी बार ई बार, सी बार डी बार ई बार, ठीक है। अब आते हैं इस ग्रुप के लिए। ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है 01 यानी कि ए बार बी, फिर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है इससे और इससे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आप देख रहे होंगे पहली वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, ये कॉमन है। तो पहली वाली टर्म रिप्रेजेंट कर रही है सी को तो सी बार और लास्ट वाली कर रही है ई को तो ई, यहाँ पर, ठीक है। इस ग्रुप के लिए लेते हैं,
ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 1 1 और 1 0 के कॉम्बिनेशन से। कॉमन क्या है, पहली वाली टर्म वो रिप्रेजेंट कर रही है ए को, और फिर ये वाली टर्म इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट मीन्स सी बार डी ई। आई होप ये ग्रुप जो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू वो क्लियर होगी आपको। ये सीधा एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है ये, तो दैट मीन्स इसके लिए हो जाएगा सी डी बार ई। ठीक है, अब एक ग्रुप आपका ये बनता है यहाँ पर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 0 1, तो दैट मीन्स ए बार बी, और कॉमन क्या है इन दोनों में, क्योंकि इसके और इसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इन दोनों में कॉमन है आपका पहला टर्म और लास्ट का टर्म। पहला टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, लास्ट का टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ई को, दोनों 1 1 है, तो इसलिए सी और ई ही रहेगा। अब आपका लास्ट ग्रुप बनता है ये। ठीक है, इसमें क्या है, फिर सिमिलर ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1, तो ए बार बी, और कॉमन क्या है दोनों में, इसमें 1 0 1, 1 0 0 में 1 0। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है डी को, तो ये हो गया डी। तो ये आपके जो ग्रुप्स बने हैं उनकी टर्म्स जो हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इन सबको आप एक साथ प्लस में लिख देंगे तो ये फंक्शन सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपके गिवन 5 वेरिएबल फंक्शन का। तो आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप करिए 5 वेरिएबल का। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसको हम वरना फिर से करा देंगे। ठीक है, करना जरूर है, क्योंकि जब करेंगे खुद से तभी हम पता चलेगा कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हमें ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, एकदम लर्न हो जाएंगी। जैसे ही आप 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस नोट डाउन भी कर लिए तो नोट करते करते ये सारी बॉक्सेस में कहाँ पर कौन सी वैल्यू है वो सब याद हो जाएगी, यहाँ पर कैसे वैल्यू लिखते हैं वो भी आपको सब याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, वीडियोज़ देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।